हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट का 58 मुकाबला में, जो कि आईपीएल की दो टीम्स के बीच में जंग होने वाली है। आईपीएल की टीम आरसीबी और पंजाब के बीच आईपीएल का मैच नंबर 58 खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस वक्त बॉटम पे है। यह मैच दोनों के लिए करो या मरो वाला होगा, क्योंकि जो भी टीम हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यह मैच आपको 9 मई को हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह इस सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा, यह पंजाब का दूसरा होम ग्राउंड है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 31 मैच खेले गए, जिसमें से बेंगलोर 14 मैच जीत के आ रही है, वहीं पंजाब 17 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर धर्मशाला के पिच हमेशा पेस बॉलर को सूट करती है। यहाँ के पिच पे बॉल स्विंग होती है, पेसों को यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, स्पिन बॉलर्स को डेथ ओवर प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्ड्स भी पेस बॉलर को एज देता है। ड्यूक फैक्टर को देखते हुए यहाँ पे टॉस जो भी अगर टीम जीती हो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन का रेशियो 3:1 का। तो आगे बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 33% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो आगे बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 42% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 58% जीतने का चांस है। तो आगे बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 179 है, तो वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 153 है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अनकंसिस्टेंस रही है। टीम एक मैच जीतती है तो लेकिन फिर अगला मैच हार जाती है, टीम सही से फिनिश नहीं कर पा रही। कई सारे मैच में टीम ने क्लोज मार्जिन से गंवाए, कप्तान शिखर धवन जी की चोट के चलते बाहर हो गए, लेकिन लास्ट गेम में टीम सीएसके से हार गई थी। टीम अब तक 11 मैच खेली, जिसमें से 4 ही मैच में जीत हासिल की है। टीम के लिए अब आगे बने रहने के लिए हर मैच जीतना होगा। अगर बैटिंग में बात करेंगे, जो कि टीम फ्लॉप चल रही है, स्मॉल टारगेट सेव नहीं कर पा रही है। अगर ओपनिंग में बात करें, जो कि बैरिस्टो और प्रभ सिमरन सिंह खेल रहे हैं, नंबर 3 पर जो कि रायली जोसो, जो कि 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं टीम का स्टार सुशांत सिंह है, जो हर मैच में टीम के लिए रन बना रहे, वो टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। वहीं पर लो ऑर्डर में जहाँ पे आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, सैम करण, जो कि अब तक बैट से कमाल नहीं दिखा पाए, यह टीम की कमजोरी है। वहीं अगर बॉलिंग की बात करेंगे, सभी बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टीम के 4 बॉलर जो कि अब तक 10+ विकेट ले चुके हैं, वहीं पर हर्षल पटेल जो कि 17 विकेट लेकर धमाल मचाए हुए, जहाँ पर कशिगो रवाज जो कि धर्मशाला के पिच पर इफेक्टिव दिख रहे हैं, उन्होंने अब तक 11 विकेट लिए। वहीं पर इंडिया ने पेसर हरदीप सिंह जो कि लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर हरप्रीत ब्रावो, राहुल चहर खेल रहे हैं, राहुल ने जहाँ कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉनी ब्रेस्टो, रायली रिशो, प्रभ सिमरन सिंह, आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, सैम करण, शशांक सिंह है, हरप्रीत ब्रा, हर्षल पटेल है, हर्षदीप सिंह है, कशिगो रवार। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि नाथन इलियस है, शिवम सिंह है, ऋषि धवन है, हरप्रीत सिंह है, राहुल चरल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि शशांक सिंह है, जॉनी ब्रेस्टो, हर्षल पटेल है। तो अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी बेंगलोर का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे टीम के लिए टूर्नामेंट का स्टार्ट बहुत डिसअपॉइंटेड रहा। टीम ने लगातार 6 मुकाबले हारने के बाद लास्ट कुछ गेम में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लगातार 3 गेम में जीत हासिल की है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। टीम के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करना लगभग असंभव हो गया। टीम ने 11 मैच खेले, जिसमें से 4 ही मैच में जीत हासिल की है। लास्ट 2 गेम में टीम गुजरात से हराया था। ओपनिंग में बात करें, जो कि विराट कोहली, कैप्टन डुप्लेसिस जो कि अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, डुप्लेसिस अब पूरी तरह फॉर्म में आ चुके हैं। कोहली 541 रन बनाकर जो कि ऑरेंज कैप होल्डर पहन लिया। वहीं मिडिल ऑर्डर में विल जैक है, कैमरन ग्रीन है, रजत पटीदार भी रन बना सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल अब तक इस साल पूरी तरह फ्लॉप चल गए। लो ऑर्डर में बात करेंगे, दिनेश कार्तिक महिपाल ओवर में जो इस वक्त बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग में ठीक ठाक हुई है, टीम ने टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई किए थे, जिसमें मोहम्मद सिराज जो कि फॉर्म में आ चुके हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे कर्ण शर्मा खेल रहे, वहीं पर यश दयाल टीम के एक्स फैक्टर है, जहाँ पे कैमरन ग्रीन और विल जैक भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। वहीं पे विजय विजय कुमार जो कि लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि फैफ डुप्लेसिस है, विराट कोहली, विल जैक है, रजत पटीदार है, कैमरन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल है, स्वप्निल सिंह है, यश दयाल है, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें, जो कि व्यास, विजय कुमार है, सौरभ चौहान है, आकाशदीप है,
महिपाल लोमरा और अनुज रावत है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली और यश दयाल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर बेंगलोर होगा, यहाँ पे किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।